हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा डायनेमिक मेमोरी की टेक्निक्स, स्टोरी मेथड। चलिए देखते हैं इस वीडियो में डायनेमिक मेमोरी पावर की टेक्निक्स, बैकवर्ड सिस्टम, उसका डेमोंस्ट्रेशन हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम उसकी थ्योरी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हेलो डेमोस्ट्रेशन और आपका नाम और सिस्टम। मेरा नाम डायनेमिक मेमोरी। आप क्या करते हो? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ओके सिद्धार्थ, अब आपके सामने 125 शब्दों का लिस्ट रखा जाएगा जिसको आपको पैगोर सिस्टम से पढ़ना है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है? ठीक है। ओके रेडी? यस स्टार्ट। एक पेन, बे ग्लास, त्रण ताड़ो, चार खुर्सी, पांच पृथ्वी, छ बॉक्स, सात फोटो, आठ लाकड़ी, नौ साइकिल, दस सचिन, अग्यार झाड़, बार थामलो, तेर मकान, चौदह कलर, पंदर शर्ट, सोड कैलेंडर, सत्तर टेम्पो, अठार चौक, ओगनीस पेंट, बीस दांत। ओके सिद्धार्थ, अब आपके सामने बॉक्स है, इसमें 125 शब्दों की चिट्ठी रखी हुई है। उस चिट्ठी में से मैं चिट्ठी उठाऊंगा, उसमें जो नंबर निकलेगा उसका शब्द बोलना है। ठीक है। ओके रेडी? हाँ रेडी। नौ साइकिल, सात फोटो, तीन ताड़ू, तेरा मकान, चौबीस ईमान। वेरी गुड। ओके सिद्धार्थ, अब आपको पांच पांच के गैप में शब्द बताने हैं, जैसे कि पांच, दस, पंद्रह, बीस और पच्चीस। ठीक है। स्टार्ट। पांच पृथ्वी, दस सचिन, पंद्रह शर्ट, बीस दांत। वेरी गुड। आपका नाम? कृष्णा। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? फोर्थ स्टैंडर्ड। अच्छा कृष्णा, आपके सामने 125 शब्दों का लिस्ट रखा जाएगा, उसको आपको पैगोर सिस्टम से पढ़ना है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है? कृष्णा रेडी? हाँ। स्टार्ट। एक पेन, बे गलास, त्रण ताड़ू, चार कुर्सी, पांच पृथ्वी, छ बॉक्स, सात फोटो, आठ लाकड़ी, नौ साइकिल, दस सचिन, ग्यारह झाड़, बारह थामलो, तेरह मकान, चौदह कलर, पंद्रह शर्ट, सोलह कैलेंडर, सत्तर टेम्पो, अठार चौक, उन्नीस पैंट, बीस दांत। वेरी गुड।
हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने पैगवर सिस्टम का डेमोंस्ट्रेशन देखा। बहुत ही आसान है। अब उसकी थियरी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम पैगवर सिस्टम की थियरी समझते हैं। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। उसकी साइन दी गई TNMRLJKFBS। अब इसको हम समझते हैं। जैसे वन नंबर के लिए T दिया है, तो जो रोमन नंबर में लाइन होती है, वन लाइन मीन्स वन, तो उसका साइन हो गया T। तो वन को हम समझेंगे T। दो नंबर पे है N, मतलब दो लाइन, रोमन नंबर की दो लाइन है, इसलिए हम उसको समझेंगे N। तीन नंबर पे है M, मतलब कि तीन लाइन, रोमन नंबर की तीन लाइन। इसके बाद है चार, तो जो R है वो चार की तरह लिखा जाता है, इसलिए हम चार के लिए R साइन लेते हैं। उसके बाद है पांच, पांच के लिए हम L लेते हैं। जैसे हमने ये पंजा देखा तो ये जो L शेप बनता है, इसलिए पांच को हम L लेंगे। फिर सिक्स, छः के लिए हम J लेंगे, क्योंकि J सिक्स जैसा उसका शेप आता है, इसलिए छः के लिए हम J लेते हैं। सेवन के लिए हम K लेंगे, के अंदर दोनों साथ जो है इंग्लिश नंबर उसको उल्टा इकट्ठा करते हैं तो के जैसा लगता है, इसलिए सेवन के लिए के। फिर एट के लिए एफ है, तो तीसरी चौथी एबीसीडी जो होती है उसमें एट, एफ ऐसे एट जैसा लिखा जाता है, उसका मिलता जुलता है, इसलिए एट को हमने लिया है एफ साइन। उसके बाद है नाइन, उसका शेप है बी, पी भी आता है लेकिन हमने बी लिया है, तो नाइन के जैसा जो है बी उल्टा, तो नाइन के लिए हमने लिया है साइन बी। और उसके बाद जीरो, जीरो के लिए हमने लिया है एस, वो फिक्स है, जीरो के लिए एस साइंस। तो हमें इस नंबर के हिसाब से इस साइंस को याद रखना है, ये सारे चिन्ह जो है वो हमें याद रखने हैं और उससे वर्ड बनाने हैं, और वर्ड बनाने के लिए हमें इस अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ए ई आई ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको मिला के हमें वर्ड बनाना है। तो कुछ सैंपल में यहाँ पे वर्ड बनाता हूँ, तो आप वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं वन, मतलब टी है, टी पे से कौन सा वर्ड बन सकता है ये अल्फाबेट को जोड़ के, तो पहला है टाई, तो टाई वो हो गया वन। टू पे हम लेते हैं एन पर से कौन सा वर्ड बनेगा, तो नी, के एन डबल ई, के साइलेंट है इसलिए उसको नी बोला जाता है, एन से स्टार्ट होता है, और के एन डबल ई, डबल ई का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए नी, तो टू फोर नी, दो के लिए हम नी बोलेंगे। थर्ड के लिए है एम, एम पर से हो जाएगा मा, एम ए डबल ए, तो डबल ए का मीनिंग कोई नहीं है नहीं, इसलिए तीन पर हम रखेंगे मा। चार पर हम रखेंगे, आर पर से वर्ड बनाना है तो रे हो जाएगा, आर ए वाई ए और वाई आर के साथ जोड़ देंगे, आर ए वाई रे, मतलब सूरज की किरण है, तो चार पर रखेंगे रे। पांच पे एल पर से कौन सा वर्ड बनेगा, तो लक्स साबुन हो सकता है, एल यू एक्स, यू और एक्स एल के साथ रख दो, लक्स साबु हो जाएगा। लॉ भी हो सकता है, एल ए डब्ल्यू, वो भी बना सकते हो,
उसके बाद है सिक्स जे, जे पर से बनेगा जो, जे ए डब्ल्यू, जे ए डब्ल्यू जो, वो वर्ड बन जाएगा। सेवन से काउ, काउ मना गाय। फिर एट है तो एफ पर से वर्ड बनाना है, तो एफ पर से वर्ड बनेगा फॉक्स, एफ ओ एक्स, ओ एक्स का कोई मीनिंग नहीं इसलिए फॉक्स हो जाएगा। और नाइन का वर्ड है बॉक्स हो जाएगा, बी ओ एक्स, ओ एक्स का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए बॉक्स हो जाएगा, नाइन पर हम बॉक्स वर्ड लेंगे। और नाइन के बाद आता है टेन, मतलब टी और एस को जोड़ना है। टी और एस को मिला के क्या बनता है इस अल्फाबेट को जोड़कर, तो टोस हो जाएगा, जो हम ब्रेड का जो टोस बनता है वो टोस हो जाएगा, टी ओ एस, तो टेन पर हमने टोस रखा है। तो इसी तरह से वन टू टेन के पैग वर्ड हमने बनाए। इसी तरह से आपको इलेवन टू हंड्रेड तक आप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो आ गया समझ में, ये है इसका सिस्टम। एक बार ये तैयार हो जाएगा आपका हंड्रेड, तो फिर पैग वर्ड सिस्टम से आप कोई भी वर्ड याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये, फिर मैजिक हो जाए। जैसे आपने अभी डेमो में देखा, कोई भी वर्ड याद रख सकते हैं। तो अभी तक के लिए ये इतना ही, अगले वीडियो में और देखेंगे हम। जो भी आपका कमेंट है, जो भी आप सीखना चाहते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।